नमस्कार, स्वागत है आपका वेब वार्ता में। आपके साथ मैं हूं प्रीति और हमारे साथ मौजूद हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। हम बात करेंगे मथुरा मामले पर। सत्याग्रह की आड़ में सरकारी जमीन पर कब्जा करने के इस मामले की कई परतें खुलती नजर आती हैं। इस बारे में इसे किस तरह से देखा जाना चाहिए? देखिए, एक बहुत ही विभत्स घटना हुई है, बहुत ही दुखद घटना हुई है। पुलिस के इतने आला अफसर, एसपी और थाना प्रभारी की मौत हुई है। इसके अलावा भी 22 लोग मारे गए जो प्रदर्शनकारियों की तरफ से थे, लेकिन उनकी मौत भी बहुत दुखद है, क्योंकि मुझे लगता है कि इन मौतों के बिना, इस सारे तांडव के बिना, इस अग्निकांड के बिना भी इस मामले को सुलझाया जा सकता था अगर समय रहते इस पर कार्रवाई की जाती। ये जो पूरा मथुरा के जवाहर बाग का कांड हुआ है, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ है। वहाँ पर 2014 से इस तरह का जमावड़ा चल रहा था, जो सत्याग्रह के नाम पर कुछ लोगों ने एक मोर्चा निकाला। उन्हें असल में दिल्ली जाना था, तो उन्होंने मथुरा में इस बगीचे में पड़ाव डाला था। केवल हम देखते हैं कि जंतर मंतर हो या कोई भी दूसरा स्थान हो, किसी भी शहर में अगर प्रदर्शन के स्थल पर कोई लोग इकट्ठा होते हैं तो तुरंत उन पर 2 या 3 दिन से ज्यादा अगर वो वहां टिकते हैं तो कार्रवाई की जाती है, और ये देखा जाता है कि ये लोग यहां पर क्यों बैठे हैं और उनको हटाया जाता है। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि 2 साल तक लगातार ये लोग वहां जमे रहे। जिस तरह की खबरें अब सामने आ रही हैं, इसमें निश्चित तौर पर एक बड़ी कमी मीडिया की तरफ से भी है कि इस जमावड़े को लेकर, उनकी गतिविधियों को लेकर, उनकी हरकतों को लेकर मीडिया में भी कहीं कोई बड़ी खबर नहीं आई। स्थानीय अखबारों में मेरी जानकारी है कि कुछ समाचार लगातार इनके अतिक्रमण के, कब्जे के आते रहे, लेकिन हमने जो आसपास के मोहल्ले के लोगों के बयान सुने उससे लगता है कि इन्होंने एक तरह का आतंक वहां पर मचा तक रखा था। एक संगठित गिरोह के रूप में ये लोग काम कर रहे थे, और इनकी जिस तरह की गतिविधियां थी उसमें तो नक्सलवाद की छाप भी दिखाई देती है। रोल कॉल होता था, लोगों को बाहर जाना, वहां से बगीचे के बाहर जाने की मंजूरी लेनी पड़ती थी, उसके लिए आउटपास बनता था, उसके बगैर वो बाहर नहीं जा सकते थे। जो बाहर जा रहा है उसके एक रिश्तेदार को यहां पर कब्जे में रख लिया जाता था। तो बहुत ही एक भयावह तरह का वहां पर आतंकवाद और नक्सलवाद का मिला जुला कार्यक्रम चल रहा था, और उस पर किसी की नजर न जाना, इंटेलिजेंस का फेलियर होना, स्थानीय प्रशासन का फेलियर होना, बहुत चौंकाने वाला है। क्योंकि ये जिस तरीके से पुलिस खुद भी कह रही है कि वो रेकी करने गए थे और अचानक हमला हो गया, इसका मतलब ना पुलिस को जानकारी थी, उसके आसपास जजों के बंगले हैं, उसके ठीक सामने पुलिस अधीक्षक का कार्यालय है, और इतने प्रमुख इलाके में, और वहां से हमेशा हर साल फलों की और दूसरी अन्य चीजों की जो बगीचे में उगती थी नीलामी होती थी, वो नीलामी भी 2 साल से नहीं हो रही थी। इस बार भी ये जो पूरी कार्रवाई हुई है, वेब वार्ता के दर्शकों के लिए जानना जरूरी है कि ये पुलिस की कार्रवाई नहीं थी, ये दरअसल हाईकोर्ट में याचिका लगी थी, उसके लिए तहत पुलिस को आदेश दिया गया था, उस आदेश के तहत पुलिस वहां पर रेकी करने गई थी और तब ये हुआ। इसका मतलब पुलिस प्रशासन लगभग सो रहा था, और उनकी नाक के नीचे मथुरा जैसी धर्म की नगरी, कृष्ण की नगरी में, पवित्र नगरी में इतना बड़ा इस तरह का कांड हो जाना, ये दरअसल इस बात का संकेत है कि कैसे इस देश में आतंकवाद और नक्सलवाद की जड़ें धीरे धीरे गहरी हो जाती हैं और प्रशासन को पता भी नहीं चलता। इस पूरे मामले में रामवृक्ष यादव का नाम काफी सुर्खियों में आ रहा है, आखिर क्या कारण है इसके? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि वो ही नेतृत्व पूरे इस सिलसिले का कर रहे थे, जो सत्याग्रही और आजाद हिंद फौज अपने आप को कहते थे, वो उसके नाम से उन्होंने जो संगठन बनाया था। तो ये जो पूरा इनका चरित्र है, कैरेक्टर है रामवृक्ष यादव का, ये शुरू से ही संदेहास्पद है। वो बताया जाता है कि बाबा जय गुरुदेव के शिष्य रहे, वहां से भी उन्होंने कुछ अनबन की झगड़ा किया, वहां पर भी वो अधिकार की लड़ाई के चलते वहां से वापिस आए। बड़ा देखा जाए एक तरह से तो इनके पूरे जो गतिविधियां हैं उनको देखकर ही समझ में आता है कि ये व्यक्ति की सारी गतिविधियां संदेहास्पद है, और इनको कोई मानसिक दिक्कत है जिसकी वजह से इस तरह की हरकतें करते हैं, और उसका संज्ञान समय रहते लिया जाता तो ना वो इतने सारे लोगों की जान लेने का सबब बनते और ना ही ये कांड होता। उन्होंने निर्दलीय विधानसभा का चुनाव भी लड़ा है, लोकसभा का चुनाव भी लड़ा है, वो मीसाबंदी है, और उस वजह से उनको उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 15,000 रुपए की पेंशन भी मिलती है, जो मुलायम सिंह यादव की सरकार के समय ही शुरू हुई थी। तो जिस व्यक्ति को सरकार से पेंशन मिलती है, वो ऐसे कोई आसमान से अदृश्य ताकत के रूप में तो नहीं टपक गया है, उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है, उसके जो 3 बेटे हैं उनकी पूरी जानकारी उपलब्ध है। गाजीपुर का ये व्यक्ति है रहने वाला, लेकिन जिस तरह की मांगे ये व्यक्ति करता था, जिस तरह की चीजें ये करना चाहता था, उसी से समझ में आता है कि इस रामवृक्ष यादव के दिमाग में जरूर कुछ गड़बड़ चीजें पक रही हैं। वो व्यक्ति ये कहता था कि आप 1 रुपए में 40 लीटर पेट्रोल और डीजल दे दो, वो कहता था कि देश में सोने के सिक्के चला दो, वो कहता था पूरे देश में मांसाहार को प्रतिबंधित कर दो। तो मुझे लगता है वो आजाद हिंद की करेंसी चलाना चाहता था और चाहता था कि देश की करेंसी बंद हो जाए। इन मांगों
लोगों से ही समझ में आता है कि या तो ये सनकी या पागल इंसान है या फिर इसके इरादे खतरनाक है, और ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पर इस तरह के कांड को अंजाम दे सकता है, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ अजीब तरह का फितूर पल रहा था और उस फितूर के चलते उसने कब यहां पर 2-3 हजार लोगों को इकट्ठा कर लिया। ये अगर पुलिस प्रशासन को पता नहीं चला है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये रामरक्ष यादव नाम का व्यक्ति कैसे इस तरह की गतिविधियों को सफलतापूर्वक अंजाम दे देता है, ये निश्चित तौर पर बहुत चिंता का विषय है। सत्याग्रही कहे जाने वाले इस विद्रोही समूह के पास से कई हथियार और हिंसक सामग्री भी बरामद हुई है, और इसी के कारण हमारे खुफिया विभाग पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। क्या इसे लापरवाही कहा जाए या फिर जानबूझकर की गई अनदेखी? इससे बड़ी अनदेखी, इससे बड़ी लापरवाही क्या हो सकती है कि 47 पिस्तौलें वहां से बरामद हुई हैं, 5 राइफलें वहां से बरामद हुई हैं, कई देसी बम वहां से बरामद हुए हैं। वहां पर जो सरकारी नलकूप था उस पर उन लोगों ने कब्जा कर लिया था। ये लोग कोई ऐसे नहीं था कि हवा में आते जाते, यहां से 15-20 कारें जब्त हुई है, कई दोपहिया वाहन जब्त हुए हैं। जो कार होती है, दोपहिया वाहन होते हैं, वो बिना सरकारी रजिस्ट्रेशन के नहीं चल सकते। ये वाहन के मालिक कौन है, किसके नाम से इनका रजिस्ट्रेशन है, पुलिस को आराम से पता लग सकता था। इनके पास जो राइफलें और पिस्तौलें बरामद हुई है वो कहां से आई, कैसे इनके पास इकट्ठा हो गई, कैसे पुलिस ने मान ली। पुलिस का कहना है कि हमें हथियारों की जानकारी तो थी पर यह नहीं था कि कितनी संख्या में चला दें। तो पुलिस के पास तो तमाम तरह के हथकंडे होते हैं, उपाय होते हैं। सादी वर्दी में पुलिस के इंटेलिजेंस के लोग जाते हैं, पहले सब्जी वाला फल वाला बनकर हमने तमाम तरह की चीजें देखी है। वहां पर पूरी रेकी करते हैं जगह की, रेकी ऐसी पुलिस की वर्दी में जाके नहीं होती है, रेकी तो सादी वर्दी में पुलिस वाला जाता है जो वहीं का हिस्सा बन जाता है, और वो तमाम जानकारी पुलिस को पहले ही दे देता है कि किस तरह का खतरनाक मनसूबा ये लोग पाले हुए बैठे हैं। एक जानकारी के मुताबिक तो ये रामरक्ष यादव ये चाहता था कि वो खुद ही अपने लोगों को मार दे जब पुलिस आए तब, और ये बताया कि पुलिस ने मारा और पुलिस के अत्याचार के रूप में इसे प्रस्तुत, मतलब कितने खतरनाक मंसूबे इस व्यक्ति के थे। तो ये निश्चित तौर पर घोर लापरवाही है। अखिलेश यादव सरकार ने केवल इतना कहा है कि पुलिस से चूक हुई, लेकिन इतना कह देने भर से अखिलेश यादव सरकार का बचाव नहीं होता, ये बहुत गंभीर लापरवाही है। इस मामले में अब तक कई जाने जा चुकी है, सरकार ने भी अपनी चूक स्वीकार की है, सरकार को आगे इस मामले में आखिर क्या कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए, 24 मौतें जो हुई हैं उसके लिए सीधे सीधे सरकार जिम्मेदार है, चाहे वो 2 पुलिस वाले हों जो वरिष्ठ अधिकारी थे, उनके परिवार पर क्या बीत रही हम सब जान रहे हैं, उनकी भी गलती है। बिना बुलेट प्रूफ के इतने बड़े हथियारबंद गिरोह के सामने चला जाना बहुत बड़ी गलती है, और उस गलती का खामियाजा भुगतना पड़ा। बहुत दुखद है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन 2 लोगों की और बाकी जो 22 लोग प्रदर्शनकारियों के साथ थे वो भी क्योंकि उस तरफ थे इसलिए मारे गए हैं, लेकिन वो भी क्यों मारे गए, क्या उनको जबरदस्ती मार रखा गया था, ये सारी बातों का खुलासा भी नहीं हो पाया है। तो कुल 24 लोग मारे गए हैं, 40 से अधिक लोग घायल हुए हैं, इसमें 20-22 पुलिस वाले भी हैं जिनको गोलियां लगी हैं और वो गंभीर रूप से घायल हैं। तो इतने बड़े कांड के ऊपर निश्चित तौर पर सरकार को बहुत गंभीर तरीके से जांच करनी होगी, इसकी न्यायिक जांच तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा जो लोग दोषी थे इनको संरक्षण देने के लिए उन तक, अब जैसे कुछ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों का नाम भी आ रहा है जो इस रामरक्ष यादव को संरक्षण देने के लिए जिम्मेदार हैं, तो मुझे लगता है इन मौतों का जिम्मेदार वो मंत्री है यदि उसने किसी भी तरीके से संरक्षण दिया है, लेकिन ये जांच के बाद ही सामने आ पाएगा, इसलिए हम अभी किसी का नाम नहीं ले रहे हैं यहां पर वेब वार्ता में। लेकिन जो भी व्यक्ति इस तरह की किसी भी हरकत के लिए जिम्मेदार है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल तो इसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी अखिलेश यादव सरकार की ही है, क्योंकि सरकार और प्रशासन की नाक के नीचे ये इतना बड़ा लोगों का, 2-3 हजार लोग कोई मामूली बात नहीं है, कोई जवाहर बाग 270 एकड़ में फैला हुआ जवाहर बाग कोई अच्छा छोटा टापू या किला नहीं। नक्सलवादी भी जो है छत्तीसगढ़ के और उसके आसपास के बिहार के इलाके के वो लोग बहुत घने जंगलों में ऐसी ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां पुलिस का पहुंचना नामुमकिन है। तो समझ में आता है कि वो अंधेरे में छुपकर गांव वालों से मिलकर ऐसी गतिविधि, जवाहर बाग तो आपके मथुरा के बीच में एक ऐसा बड़ा महत्वपूर्ण इलाका है जहां लोग आते जाते हैं, आसपास रिहायशी कॉलोनियां, जजों के मकान है, सामने एसपी का कार्यालय, और उसके बावजूद इस तरह की घटना का हो जाना, निश्चित तौर पर इसकी सीधे जिम्मेदारी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार की बनती है, और उनकी जवाबदेही है कि वो जनता को इस घटना का, मथुरा के कांड का सच बताएं, और जो जाने गई है उसके लिए जिम्मेदार लोगों को सजा तक पहुंचाएं। जी शुक्रिया जयदीप जी इस विषय पर बातचीत के लिए। वेब वार्ता पे फिलहाल इतना ही, लगातार खबरों और अन्य जानकारियों को जानने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.webdunia.com पर।